अभी अभी आप लोग देख रहे हैं एक जनप्रतिनिधि हैं, ये मुरला पंचायत से समिति पद के उम्मीदवार मोहम्मद इरफान जी हैं। और आपको बता दें ये निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य भी हैं। अभी ये अपना नामांकन पर्चा दाखिल करके रिटर्न हो रहे हैं। आपको बता दें इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में फिर से अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुरला पंचायत से चुनावी दंगल में उतर चुके हैं और आज इनका नामांकन पर्चा भी दाखिल हो चुका है। आप लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से ब्लॉग परिसर में देखा कि किस तरह ये अपने समर्थकों के साथ अपना नामांकन पर्चा दाखिल किए हैं। आइए हम इनसे मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ये पुनः अपने पंचायत से समिति पद के उम्मीदवार होने जा रहे हैं तो इस बार इनका मुद्दा क्या होगा। सर, आप फिर से अपने पंचायत से समिति पद के पुनः उम्मीदवार होने जा रहे हैं, इस बार आपका मुद्दा क्या होगा? हमारा मुद्दा और लक्ष्य यही है। और पहले तो मैं सबसे पहले आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं अभी वर्तमान में मैं पंचायत समिति सदस्य भी हूं और दोबारा मेरा नामांकन हुआ है और हमारे गांव समाज के लोगों के द्वारा हमें बहुत सारा खुशी मिली है। आज हमारे जो भी कार्यकर्ता थे हमारे साथ हमारे बीच उतरे और हम उन्हें बहुत बहुत बधाई भी दिए। और हमारा जो मुद्दा है अभी के डेट में जो भी मुद्दा है लोगों को राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, आवास, रोड, नली गली, उस पर हमने खड़ा उतरा है और उतरने का अगला भी प्रश्न है मेरा। और इसके साथ मैं हमेशा करता रहूँगा और 5 साल पुनः मैंने किया है, उसी हिसाब से हमें जनता ने आज भी खुशी खुशी नामांकन दाखिल करके हमें वापस रिटर्न हमने अपने घर जाने का। आप निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य हैं सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे आपने अपने पंचायत के विकास के लिए क्या क्या किया? हमने हमारे गांव में जो भी PCC है, मनरेगा से काम जो मैंने किया है, कब्रिस्तान के जो काम किया है, काफ़ी लोगों को राशन कार्ड बनाने का काम किया है, काफ़ी लोगों को आवास योजना भी दिलवाया हमने। यहाँ से लेकर के जो भी हमारे 8 वार्ड पड़ते हैं, मुंडला में भी कब्रिस्तान का काम हुआ है, रोड का भी काम हुआ है, नाला का भी काम हुआ है, वहाँ पर भी राशन कार्ड और मनरेगा से भी रोड का भी काम करवाए हैं हमने। काफ़ी सारे काम हुआ है हमारे 5 साल के रीजन में, जो आज हमारे साथ सारे गांव समाज समर्थक जो है मेरे काफ़ी उत्साहित हैं। सर, इस बार यदि मुरला पंचायत की जनता सत्ता की बागडोर आपके हाथों में सौंपती है तो आप मुरला पंचायत के विकास के लिए क्या क्या करेंगे? हमने विकास के लिए ही हमें लोग चुना है। ये मोहम्मद इरफान जी ये मुरला पंचायत से समिति पद के भावी उम्मीदवार हैं और निवर्तमान पंचायत समिति भी रह चुके हैं, इस बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। आपको बता दें आज इनका नामांकन पर्चा भी दाखिल हो चुका है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मुरला पंचायत की जनता सत्ता की बागडोर किनके हाथों में सौंपती है। सर, आप इस पंचायत के क्षेत्र संख्या कितने से उम्मीदवार हैं? हमारे मुरला पंचायत संख्या क्षेत्र संख्या है हमारा 15। तो ये मुरला पंचायत के क्षेत्र संख्या 15 से ये उम्मीदवार पुनः होने जा रहे हैं। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि मुरला पंचायत के क्षेत्र संख्या 15 की जनता इस बार सत्ता की बागडोर किनके हाथों में सौंपती है। सर, आप हमारे न्यूज़ चैनल में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।